रूस इस समय गुस्से में है क्योंकि चीन ने रूस की जमीन पर धावा बोल दिया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत समेत कई देशों के हिस्सों को अपना बताया। इस मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया। Discrepancies, I would put it like that. On the Russia-Chinese border as well. नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं। चाइना से मोदी जी को पता है कि चाइना की पेट पे लात। लोग कहते हैं ना कि चढ़ दौड़ो, मैं भी चाहता हूं कि इंडियन आर्मी से बोलो यार 100-200 चाइनीज गिरा दें। मेरा भी दिल करता है कि इंडियन आर्मी से बोलो जरा इनको, जरा हैप्पी दिवाली बोल के आए जरा चाइनीज को, इनको बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खाज है चाइनीज को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी को नस पता है, उनको पता है कहां पे मैं नस दबाऊंगा। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है, और चाइना के अंदर इतना दम घुटता नहीं कि वो कभी रशिया। मैं हाल ही में कुछ दिन पहले देखा होगा कि चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया जिसमें उसने रशिया, भारत और डिफरेंट 22 कंट्रीज के कुछ हिस्से को चीन का हिस्सा बताया, जिसको लेकर एस जयशंकर ने क्लियर एंड कट तरीके से अच्छा खासा एतराज जताया और बहुत कड़ा संदेश दिया। अब इस लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ है रशिया का, रशिया ने भी अच्छा खासा एतराज जताया है और आप देख सकते हो कि चीन कैसा है, वो अपने इरादे स्पष्ट रखता है भले रशिया इंडिया ब्रिक्स में उसके साथ हो। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज शो, क्योंकि चीन ने रूस की जमीन पर धावा बोल दिया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत समेत कई देशों के हिस्सों को अपना बताया। इस मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया है। रूसी राजदूत ने कहा कि चीन हमेशा से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदली जा सकती। चीन ने भारत के ही नहीं बल्कि रूस के हिस्से को भी अपना बताया है। इसको लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश 15 साल पहले ही सीमा विवाद सुलझा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके चीन ने अब ये मैप जारी करके रूस किसी भी स्थिति में रूस भारत के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करेगा। इसे भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान माना जा रहा है और चीन के लिए एक बड़ा झटका जिसमें चीन अब तो शी जिनपिंग से लोग सवाल पूछते हैं, शी जिनपिंग से लोग पूछते हैं कि भैया ये साउथ चाइना सी वाला क्या मामला है, जरा सर जरा ताइवान के ऊपर बताना क्या स्टोरी है ताइवान की। ये जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का आपने नक्शा निकाला है जिसमें आपने बोला है कि साउथ चाइना सी और सब कुछ हमारा है, इसका क्या क्या मामला है जरा बताइए माजरा क्या है। और इससे भी बड़ी खतरनाक चीज यहां पर बातें मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आप मुझसे लिख लीजिए, ठीक है, टुडे, आज की तारीख आप नोट करिए, आज संडे है दोस्तों, आप देखना 8 तारीख से शुरू होगा और सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो ट्रेड का होगा, सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड का होगा और सब मिलकर ढोलक बजाएंगे चाइना का। चाइना से मोदी जी को पता है कि चाइना की पेट पे लात। लोग कहते हैं ना कि चढ़ दौड़ो, मैं भी चाहता हूं कि इंडियन आर्मी से बोलो यार 100-200 चाइनीज गिरा दें। मेरा भी दिल करता है कि इंडियन आर्मी से बोलो जरा इनको, जरा हैप्पी दिवाली बोल के आए जरा चाइनीज को, इनको बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खाज है चाइनीज को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी को नस पता है, उनको पता है कहाँ पे मैं नस दबाऊंगा तो चीखने। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है, और चाइना के अंदर इतना दम घुटता नहीं कि वो कभी रशिया के ऊपर हमला कर सके अगले 20 साल तक। और चाइना ने कहा भी है कि मैं 2045 के बाद जाके रशिया पे हमला करूंगा। रशिया पे हमला अमेरिका नहीं कर सकता तो चाइना की क्या मजाल है? और आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता रशिया पे हमला क्योंकि रशिया के पास डेडमैन स्विच है, ठीक है। अगर रशिया ने डेडमैन स्विच एक्टिवेट कर दिया वो ऑटोमेटिकली भी बाय द वे एक्टिवेट हो सकता है, उसका भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म ट्रिगर मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, 6,500 के करीब है या 6,000 समथिंग है, वो पूरी दुनिया में निकल जाएंगे तो बचेगा तो कोई भी नहीं। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं, एक मरला। किसी जर्नैल की बाहर नहीं है, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट की बाहर नहीं है बड़े की,
मैं 2007 में गया था, मैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी से मिला था, 22 ग्रेड का अफसर जैसे हमारा होता है, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें वो आता जाता था दफ्तर से, वो मारुति थी जैसे हमारी सुजुकी एफएक्स होती है, और उसकी बीवी उसको टिफिन बना के देती थी जाके वो खाए वहां से, और टिफिन लेके उतरा था वो मेरे साथ, उसी टिफिन को उसने खोल के मुझे खाना खिलाया। यही कारण है कि रूसी राजदूत भी कह रहे हैं कि चीन हमेशा से चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, ऐसा रूस नहीं करता और न ही भारत करता है। चीन द्वारा भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाए जाने को लेकर रूसी राजदूत ने कहा कि चीन नक्शे में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा दिखा सकता है, लेकिन इससे जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। डेनिस अलीपोव ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई हिंसा के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हुए हैं। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि किसी भी अन्य देश की वजह से रूस और भारत के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मोदी जी आप देख लेना, मेजर का वीडियो सेव कर लेना 8-9-10 तारीख को, ठीक है? मोदी जी ने हवा नहीं निकाल दी शी जिनपिंग की, तब देखना। और कैसे ट्रेड की बातें होंगी मोटी, और कौन सी ट्रेड की बातें, कौन सी ट्रेड की बातें? ट्रेड की वो बातें कि किस तरीके से सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, किस तरीके से चाइना की फैक्ट्रीज उठ के इंडिया आए, सारा गेम वही है मोदी जी का। ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी बोलते रहता ना, शेर बनाया है जिसमें गिरियां घूमती रहती हैं शेर में, वो गेम क्या है? ओ भाई वो गेम यही है, और कोई गेम नहीं है वो। आत्मनिर्भर मतलब भारत अब खुद चीजें बनाए, चाहे डिफेंस में बनाए, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल फोन में, किस में भी बनाए, बाहर से लोग आए इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, वो पहला गेम है। लेकिन दूसरा गेम क्या है कि चाइना से फैक्ट्री उठ के भारत आए, मोदी जी का नंबर वन गेम यही है, और उसी के लिए वो व्हाइट हाउस गए थे, जो कि मीडिया ने इतना कवर करा ही नहीं। पर मैं उस दिन से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यही गेम और यही गेम होने वाला है 8-9-10। चीन ने तो अपने पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस को भी नहीं छोड़ा। अब तक पूरी दुनिया को लगता आया कि चीन का सीमा को लेकर विवाद भारत के साथ है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन का विवाद उसके पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस के साथ भी है। चीन ने अभी हाल ही में जो नया मैप जारी किया उसमें इससे जुड़ी हुई तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। चीन ने रूस के हिस्से को अपने मैप में शामिल करके, तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, चीन के द्वारा जो उनका मूड है एक्सपेंशन का, उन्होंने अपने एक्सपेंशन में चाइना ने, आपको बता दूं, चंद्रमा को भी ऐड किया है। एक उनकी एक कथा के अनुसार चंद्रमा उनका हिस्सा है। आपको बता दूं चीन के अभी जो इस नक्शे को लेकर भारत, रशिया, वियतनाम, ताइवान, इन्होंने सब ने एतराज जता दिया है ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हो कि चीन जो सोचता है कि हम अब नक्शा जारी करेंगे, सब चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। चीन अपने आप को भले ताकतवर समझता है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी हवा उसी दिन टाइट हो गई थी जब गलवान वैली में इनके इतने सिपाही मारे गए थे, जब से इनकी औकात नहीं पड़ी कुछ नाटक करने की। क्योंकि चीन को भारत ने इकोनॉमिकली तौर पे भी डेफिनेटली डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिस तरीके से चाइना से जो एप्पल वगैरह की कंपनीज़ हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली इससे थोड़ा थोड़ा तो नुकसान होगा चाइना को, और ये अच्छी बात है। अब चाइना, अभी आपने देखा G20 समिट में उनके प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, ब्रिक्स में भारत और चीन दोनों हैं शामिल, और ब्रिक्स का भी, ब्रिक्स में 6 नई कंट्रीज़ भी शामिल हुई हैं। ब्रिक्स मतलब आप समझें कि दुनिया का नॉन वेस्टर्न अलॉय में से बहुत बड़ा एक इतना विशाल समूह है कि आप समझें कि इसमें दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे भी कवर हो जाती है। अब अगर चीन इस तरीके की हरकतें करता रहेगा तो फिर ब्रिक्स में डेफिनेटली जो चाह रहा है, वो जो चीज़ें वो प्राप्त करना चाह रहा है, तो फिर ऐसी हरकत करेगा तो फिर वो चीज़ें उसको प्राप्त कैसे होंगी। और भारत को भी समझना होगा कि चीन भारत का दोस्त नहीं है, चीन भारत के लिए अच्छा नहीं सोचता है। और अब देखते हैं होता क्या। अब चीन रशिया को भी जब ऐसे लाइटली ले रहा है, तो फिर डेफिनेटली चीन के इरादे अच्छे नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट में।